नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। हर जिले में हर स्टेडियम में बनेगा दिव्यांग खेल कॉर्नर। जी हाँ, मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ ही उन्होंने राजकीय अंध विद्यालय पानीपत की नई बिल्डिंग बनाने और नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विशेषतः दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर दिव्यांग अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक रूप से अक्षम लोगों की मानसिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल के लिए अंबाला में 5 एकड़ भूमि पर 31,71,00,000 रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 100 दिव्यांगजनों के लिए वस्त्र, भोजन और उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के करीबन 50,00,000 मानसिक अक्षम बच्चे हैं और हरियाणा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए व्यापक स्तर पर सुविधाएँ देने का प्रयास कर रही हैं। अब दिव्यांगजन स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। पोर्टल फिर ही साथ ही शिकायत को ट्रैक करने के साथ साथ अधिनियम, सूचना विभाग की योजनाएं व मामला सूची विधिक व्यवस्था की जानकारी भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अवार्ड पोर्टल की भी शुरुआत की। इस पोर्टल पर दिव्यांगजन सीधे अलग अलग श्रेणी में अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे भी उन्हें काफ़ी सहूलियतें मिल जाएंगी, उन्हें विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि श्रेणी एक और श्रेणी दो के नेत्रहीन अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंटर भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इसके लिए NGO तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए ताकि दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास जगे और वे आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और दिव्यांगजनों को दी जा रही अलग अलग सुविधाओं और पेंशन के संबंध में जानकारी हासिल की। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को हर वर्ष होता है। इस दिन हम हर वर्ष दिव्यांगता दिवस के अवसर पर एक विशेष विचार हमेशा करते हैं कि जो लोग किसी न किसी कारण से, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से अथवा मानसिक दृष्टि से किसी भी दिव्यांगता के शिकार हैं, ऐसे लोगों को एक आभास कराना कि वो भी आम आदमी की तरह और अपना जीवन यापन करें, उसके लिए एक आत्मविश्वास उनका सबका बढ़ना चाहिए। और साथ ही शासन प्रशासन की ओर से भी जो सहयोग और सहायता उनकी की जा सकती है वो सब भी हम उनके लिए करते हैं। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट का जो लॉन्च किया है, इस वेबसाइट के लॉन्चिंग में एक प्रकार से सब सूचनाएं अपने इन बंधुओं को मिल जाए और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको करनी है वो मिल जाए, वो उनकी हो जाए, तो एक सुविधा उनको ये मिले ताकि कहीं भी उनको दफ्तर में चक्कर ना काटने पड़े, उनकी सहूलत के लिए इस वेबसाइट का अपना एक उपयोग होगा। ये हमारे जो कमिश्नर डिसेबिलिटी हमने जो बनाए हैं उनकी ऑफिस से इसको लॉन्च किया गया है। वो इस वेबसाइट के माध्यम से सब सेवाएं ऐसे सब बंधुओं को देंगे। ऐसा ही दूसरा जो लॉन्च किया है वेबसाइट, वो है जो हमारे स्टेट अवार्ड्स के लिए लोगों को मैनुअली अप्लाई करना पड़ता था, तो मैनुअली अप्लाई करने के बजाय वो सब वेबसाइट से अप्लाई कर सकें ताकि उनको समय समय पर जो भी अवार्ड मिलने हैं उसका निर्णय विभाग के लोग करेंगे और उनको अवार्ड जो है उपलब्ध कराया जा सके। आज साथ में तीसरा जो इनॉग्रेशन किया है वो है जो हमारे मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनकी आजीवन देखभाल हो, तो ये आजीवन देखभाल के लिए आज जो ये भवन इसका निर्माण किया गया है, 5 एकड़ की भूमि पर ये भवन बनेगा और लगभग 31,71,00,000 रुपए की लागत इस पर आएगी। 100 व्यक्तियों का इसमें रहने सहने का और ये प्रबंध किया गया है, उनका भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा, पोषण, योग, ध्यान आदि की सबकी एक व्यवस्था की गई है ताकि ऐसे जो भी हमारे बंधु हैं जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं उनको भी वातावरण जो है अच्छा मिले। तो ऐसे अच्छा वातावरण में उनके लिए ये भवन जो बनाया गया है बाला में,
इसके लिए मैं विभाग का भी और खास करके हमारे अम्बाला के सभी बंधुजन, हमारे मंत्री अनिल विज जी समेत वहाँ का प्रशासन, इन सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि एक ऐसा पवित्र कार्य ये किया गया है जिसकी बहुत लोगों को आवश्यकता है।